गाइस, सो हम अपना AP8 की एसेंशियल ट्रेनिंग पोस्ट मैन की एसेंशियल ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने वाली वीडियो है ये। इसके अंदर आज मैं आपको टोकन जनरेशंस के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा और कैसे वर्क करता है वो बताऊँगा, और ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट API मैनुअल टेस्टिंग में जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की पूरी डिटेल्स, कब क्या आता है, कब किसकी डेफिनेशन क्या है, कौन सा प्रीटेक एरर है, कौन सा पोस्ट एरर है, दीज टाइप ऑफ एरर आप समझ पाओगे। और उसके बाद हम ऑथेंटिकेशंस को वर्क करते हैं। लेट सपोज कि कोई एक API है। अब जैसे कि मैंने ये वेबसाइट आपको मेरे चैनल के साथ प्रोवाइड किया था, इस API इसके साथ बहुत सारी आपको API प्रोवाइडेड की जाएगी। सो इस वेबसाइट पे बेसिकली क्या है कि ऑथराइजेशंस के बारे में बताया हुआ है। सो बेसिक कोई भी ऑथेंटिकेशन अगर आप कोई पूछता है तो कितने तरह का होता है, जनरली आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन को बताना होता है, एक ओथ होता है उसके बारे में बताना होता है, एक HTTP बियरर टोकन के बारे में बताना होता है। सो ये जनरली इनके बारे में कोई पूछता है। सो अब अगर आप API के पोस्टमैन के अंदर जाओगे तो आपको इस तरह से बहुत सारे ऑथेंटिकेशंस मिलेंगे, लेकिन जनरली आपको एक बियरर टोकन्स मिलेगा, एक बेसिक ओथ जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड हम प्रोवाइड करते हैं वो मिलेगा, ओ ओथ 2.0 जिसके अंदर एक्सेस टोकन्स प्रोवाइड करेंगे, और इससे पहले 1.0 जिसके अंदर चार वैल्यूज प्रोवाइड करते थे, ये सब थी। सिग्नेचर मेथड कौन सा, कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट, एक्सेस टोकन एंड टोकन सीक्रेट, ये सब वैल्यूज हमको डेवलपर प्रोवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। हर APIs से एसोसिएटेड एक टोकन जनरेशन करा जाता है ताकि उससे पहले कोई भी रिक्वेस्ट जब हम हिट करेंगे तो वो एरर प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली लेट सपोज कि अगर आपको कोई पोस्ट API हिट करनी है, अभी हम पोस्ट API पे वर्क नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अब मैं आपको हिट करने दिखा रहा हूँ कि विदाउट एनी एक्सेस टोकन सो अनऑथराइजेशन एरर आता है 401। अब 401 और 403 के बीच में आप डिफरेंस पढ़ना, इनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। इस अंदर जैसे मैसेज है ऑथेंटिकेशन फेल। अब जो API है, इस API के अंदर आप देखोगे कि टोकन जनरेशन के लिए इनमें एक प्रोवाइड किया हुआ है एक लिंक, इस लिंक पर जाकर आप टोकन जनरेट कर सकते हो और वो टोकन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ये आपका एक टोकन है, इसके ऊपर जाके इसको कॉपी करोगे और इसको हम जब इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, ये हमको प्रोवाइडेड है कि एक बियरर टोकन है तो हमको एरर नहीं आएगा। सो ये तो दूसरा एरर है कि एरर ईमेल आईडी से नहीं थी, सी 201 एक्सेस हैज बीन डन, सो न्यू पोस्ट रिक्वेस्ट इज वर्किंग फाइन। सो बेसिकली ऑथेंटिकेशन का आपको यूज समझ आया कि आपको बिना ऑथेंटिकेशन के आप अपनी API के अंदर प्रोसीड नहीं कर पाओगे। देखा कि कैसे हिट करने पे 401 और 403 क्या है, उनके डेफिनेशंस को आप देख सकते हो मेरी वीडियोस के अंदर, आप जाके उनको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को पढ़ोगे। और फिर इस तरह जब हम ऑथेंटिकेशन के अंदर अगर बिना वैल्यू प्रोवाइड करे हिट करने की कोशिश करते हैं सो हमको कौन सा एरर आता है, 401 विच इज़ अनऑथराइज्ड, और जब मैंने उसको सही एक्सेस टोकन प्रोवाइड किया और तब पोस्ट API को हिट किया सो ये हमारा 201 नया क्रिएट हो गया। सो ऑथेंटिकेशन एक बेसिकली इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है जो दैट ऑथेंटिकेशन टू क्रिएट अ जनरेटर की। सो जनरली क्या होता है, अभी तो फिलहाल मैंने रेंडमली इस वेबसाइट पर जाकर क्लिक करने के बाद हमें टोकन जनरेट करना पड़ा, लेकिन ऐसा हर कंपनी के साथ नहीं होता। जब आप मैनुअली आप वर्क करने को मिलोगे तो आपको एक स्पेसिफिक एक API मिलेगी विद द प्रॉपर URL जिसके अंदर टोकन की डिटेल्स मिली होगी, जो एक आफ्टर प्रोवाइडिंग द यूजर डिटेल्स आपको एक रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स से आपको एक्सेस टोकन स्टोर करना होगा। सो लेट सपोज आपको रिस्पॉन्स आया इस फॉर्मेट में, के अंदर हमें एक्सेस टोकन नाम की फील्ड होगी, और वो वैल्यू फॉर एग्जांपल ये वाली होगी।
जैसे कि इस फॉर्मेट में जनरली इसको हिट करा, जब आप एपीआई को टोकन जनरेशन के अंदर वर्क करोगे रियल लाइफ सिनेरियो में, तो आपको इस फॉर्मेट में वर्क करना पड़ेगा। फिर इस तरह से हम इस एक्सेस टोकन को स्टोर करेंगे। सो एक जेसन पार्सिंग की वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं, उससे आपको इस एक्सेस टोकन पर कैसे मूव करना है यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट कोड वो आप समझ पाओगे। तो पोस्टमैन से इस एक्सेस टोकन तक पहुंचना और फिर उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना, ताकि हम इस एक्सेस टोकन को जहाँ जहाँ मेरे को यूज़ करना पड़े बार बार मैं इस वैल्यू को ना देके, मैनुअली ना देके, मैं इसको क्या करूँगा रन टाइम वेरिएबल्स के अंदर चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेस टोकन नाम का वेरिएबल बनाया, वो यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, फिर वो यहाँ से उठ के आ जाएगा, इस फॉर्मेट में वर्क करेगा और फिर बार बार उनको रेंडमली जनरेट ना करने के लिए ये ऑटोमेटिकली हमारा आफ्टर टोकन जनरेशन वो वैल्यू को स्टोर करेगा। फिर वो वैल्यू को आप अपनी पोस्ट एपीआई, जिस पोस्ट एपीआई गेट एपीआई जिसमें आपको उस एक्सेस टोकन को रिक्वायरमेंट होगी, आप उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। सो एक्सेस टोकन इस तरह की वर्क करेगा। सो पोस्ट जेसन पार्सिंग को जाके पढ़े, ये जेसन पार्सिंग का कोड है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो बेसिकली क्या करना है, आफ्टर पीएम रेफरेंस वेरिएबल होता है पोस्टमैन का जेएस के अंदर, जो रिस्पॉन्स आया उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहा है। आफ्टर दिस मैं उस पूरे जेसन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा जेसन डाटा, और मैं जेसन डाटा को यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर नेक्स्ट पॉइंट तक मूव करूँगा। सो ये एक फंक्शन बनाया मैंने पीएम टेस्ट का, जो क्या कर रहा है ग्लोबल वैल्यू को मास्टर एक्सेस टोकन को बस डिस्प्ले करा रहा है। एक्सेस टोकन वेरिएबल है, अब ये जेसन डाटा से जो मैं एक्सेस टोकन पर मूव करूँगा, ये पूरा जेसन रिस्पॉन्स आ गया, इससे मैं जब एक्सेस टोकन पर मूव करूँगा फिर इसके बाद ये वैल्यू पूरी इसके पास आ जाएगी। जब ये वैल्यू इसके पास आ जाएगी उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा जिसका नाम मैंने एक्सेस टोकन दिया। अब वो एक्सेस टोकन मैं क्या करूँगा किसी भी एपीआई के अंदर यूज़ कर पाऊँगा। तो इस फॉर्मेट में हम इसकी ऑटोमेशन, टोकन जनरेशन, कैसे टोकन जनरेट होता है, किस टाइप की होती है बेयरर टोकन, ओऑथ 2.0 उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं, ये सब मैंने आपको बताया। अब इनको आप इससे इस वीडियो के बाद आप जेसन पार्सिंग को पढ़ना, जो आपको हेल्प करेगी आपके स्क्रिप्ट कवर करने में। और इससे पहले मैंने गेट एपीआई के अंदर एक कोड को, इस जेसन पार्सिंग के इस कोड को भी एक्सप्लेन किया है, उसको भी आप देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर दिस, बाय बाय एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप लाइक द वीडियोस, डू द सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, एंड प्रोबेबली 162 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि इतनी जल्दी 1 मंथ नहीं हो जाएंगे। सो प्लीज़ कीप फॉलोइंग माई चैनल।